नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मानव क्लासेस में। आज हम वास्तविक संख्याओं के प्रथम अध्याय के हम लगातार करने वाले हैं, जिसमें पिछले अध्याय पार्ट में हमने सीखा था एचसीएफ क्या करना है, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम से। आज हम उसका दूसरा सवाल करने जा रहे हैं, जो है थ्योरेटिकल। आपको ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहे, मैं इसका दावा करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सवाल एकदम क्लियर हो जाएगा। हमको ये दूसरा सवाल दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर ही, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है, ये हमको सिद्ध करना है, उसी को हमको देखना है, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे कि हमको ये सवाल आ सके पूरा समझ में, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है वीडियो को। तो हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q + 1 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। सबसे बड़ी बात इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक, हम देखते हैं कि धनात्मक क्या होता है, विषम क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। हालांकि आप सभी को इतने होशियार है कि आप सभी जानते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं, लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं जिनको नहीं पता है कि पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं। उनके लिए हम छोटा सा देख लेते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं। तो हम चलते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होते हैं, जिनमें दशमलव नहीं होता है उनको हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो होते हैं वो हमारे तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, यानी हम एक संख्या रेखा बनाते हैं और संख्या रेखा में देखते हैं कि जो बीच में होता है वो जीरो होता है, और संख्या रेखा के हम सीधे हाथ की तरफ चलते हैं यानी राइट हैंड की तरफ, तो हमारे को होता है धनात्मक। इधर हम जाएंगे तो ये चलेगा हमारा धनात्मक, और संख्या रेखा के हम विपरीत चलेंगे यानी लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे वो होता है हमारा ऋणात्मक, और ये उसके मध्य में होता है वो होता है जीरो। तो हम इसमें देखेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक ये क्या है, यानी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं जिन संख्याओं पे आगे प्लस का साइन लगा होता है यानी इस प्रकार का, और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनके आगे लगा होता है माइनस का साइन। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इनमें हम पूर्ण संख्याएं यानी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं जो लेफ्ट हैंड की तरफ चलती हैं, जिस प्रकार माइनस एक माइनस दो माइनस तीन डॉट 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 एक दो तीन डॉट डॉट डॉट। तो हम देखेंगे कि ये हमारी संख्या जो है वो पूर्णांक है, यानी ये पूर्ण है अपने आप में, एक दो तीन माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, जो हमारी पूर्णांक संख्या है वो तीन भागों में विभाजित है, वो है जीरो ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। जो ऋणात्मक संख्या है वो ऋणात्मक पूर्ण संख्या कहलाती है, जो धनात्मक संख्या है वो हमारी धनात्मक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है, सॉरी जो धनात्मक है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है, जो ऋणात्मक है वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब इसमें बात आती है कि विषम, क्योंकि हमारे सवाल में हमको सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, ये हमको सिद्ध करना है। कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक, आपको मैं बता दूं कि विषम और सम क्या होते हैं। विषम वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, यानी जिनमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो होती है हमारे पास में विषम संख्याएं। सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है, जिस प्रकार यानी हमारे पास में चार है, चार में हम दो का भाग देंगे तो देखेंगे दो दूनी चार पूरा भाग जाने का मतलब उसका माइनस शेषफल जो बचे वो बचे जीरो, तो ये पूर्णतः विभाजित है यानी पूरा भाग चला गया इससे एक संख्या से दूसरी संख्या में, तो वो है सम संख्या, यानी दो का जिस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए वो है सम संख्या, और जिसमें दो का पूरा पूरा भाग ना जाए वो है विषम संख्या। जिस प्रकार हम देखेंगे पांच, पांच हम दो से भाग करेंगे तो हम देखेंगे दो दूनी चार, यानी अगर हम उसको आगे भी बढ़ाएंगे तो हमारा मान कैसे आएगा दशमलव में, जो कि सही नहीं है पूर्णांक के लिए, तो ये
क्या है, यानी दो का भागशेष पूरा पूरा नहीं गया, वो है हमारा विषम संख्या है। तो इसी में हम देखते हैं, अब आपको ये समझ में आ चुका होगा पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या तीन तरीके से विभाजित है, यानी पूर्णांक संख्या मतलब पूर्ण संख्या है, यानी उनका पूर्ण अंक है उनमें वो है पूर्णांक संख्या है। तो हम देखते हैं पूर्णांक संख्या तीन रूप में है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक जीरो, जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि अब उसमें आया बात विषम और सम की, विषम विषम जिसमें जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं आता है, अब एग्जांपल के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। नीचे वाला है दो का भाग हमने पांच में दिया, तो देखेंगे इसमें पूरा पूरा भाग नहीं गया, इसका एक शेषफल बचा यहाँ पर। तो इसी के आधार पर है ये सवाल, हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ये हमारा सेकंड पार्ट है मैथ के पहले अध्याय का, इसमें हमने लास्ट वीडियो में पहला पढ़ा था हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिससे हमने एचसीएफ याद किए थे तीन सवालों के, वो मैं आशा करता हूँ आप सभी उनको बिल्कुल सरल तरीके से समझ चुके होंगे। उसी के आधार पर यह दूसरा सवाल, इसमें हम देखते हैं 6q+1, यहां पर मैं लिखता हूं 6q+1। अब इसको देखते हैं, हमको एक बात ध्यान आनी चाहिए कि हम देखेंगे कि जो हमारा क्या था, जो फॉर्मूला था यानी जो सूत्र था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, वो क्या था, वो हम पहले देखते हैं क्या था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला था, यानी जो सूत्र था वो हमारे पास में था a = bq+r। हम सभी को याद है कि हमारे पास में a क्या था, b क्या था, q क्या था, r क्या था। a हमारे पास में थी बड़ी संख्या जो हमें दी जाती है सवाल में, b थी हमारे पास में छोटी संख्या जो सवाल में दी गई है, q था हमारा क्या था गुणनफल यानी इसका हम गुणा करते थे, और r था हमारे पास में शेषफल जिसमें भाग देकर निकाल देते, यानी q क्या था हमारा भागफल, r क्या था शेषफल। अब इसी सवाल को हम देखें, यानी इस संख्या को हम देखें जो सवाल में दी हुई है 6q+1। अब देखिए यहां पर हमारा q तो मिलता है और क्या है 6 की हम इसको मान सकते हैं क्या b, यानी छोटी संख्या r बन, इसी प्रकार यह करके लिखा है इसमें 6q+3 या 6q+5, यानी r की जगह पर पहले हम एक रखे हैं, फिर हम तीन रखे हैं, फिर हम पांच रखे, तो हम देखेंगे मिल जाएगा, लेकिन b हमारा क्या होना चाहिए 6। तो हम देखते हैं नीचे में दिया हुआ है कि q क्या है पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, तो हम इसको देखो और बिल्कुल सरल तरीके से हल करते हैं, हम सबसे पहले मानेंगे a, यानी जो बड़ी संख्या होगी उसी से फॉर्मूला बनेगा, यानी a बराबर bq+r। तो हम लिखते हैं माना a, पहले मान लेते हैं a क्या है, एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, अब इसको मैं बिठा देता हूं यहां से, धनात्मक पूर्णांक संख्या, और b को हम मानते हैं 6, यानी मानते क्या है इस बार में दी हुई है यहां पर हमसे 6, b बराबर 6, वो भी क्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या है, अब हम देखते हैं कि यहां साइड में लिख देता हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम,
इसका जो सूत्र था हमारे पास में a बराबर बी क्यू प्लस आर, हम देखेंगे हमारे पास में सब कुछ आपका है। a हमने मान लिया है क्या एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, b बराबर हमने 6 मान लिया है जो भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो हम देखेंगे q क्या है, q भी हमारे पास में पूर्णांक संख्या है, और r, r का मान निकालने के लिए हम देखेंगे 1 3 5, तो हम देखेंगे कि जब हम देखते हैं कि यहां पर r का मान कहां जाएगा। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि हमने b का मान 6 क्यों ही लिया, क्योंकि हमें सवाल में सीधे सीधे दिख रहा है 6q + 1, इसलिए हमने b का मान क्या रखा है, b बराबर 6 यानी b बराबर 6। तो हम देखेंगे कि a और b में क्या डिफरेंट होता है, कि a जो होता है b से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम देखेंगे r का मान हम कैसे निकाल लेते हैं, r का मान कैसे निकाल लेते हैं, यानी a में यानी बड़ी संख्या में हम छोटे से कैसे भाग देते थे, तो हमारा क्या निकलता था r का मान। अब हमको पता है a जो है वो क्या है, b से बड़ा है, यानी a की वैल्यू क्या है वो 6 से बड़ी है या 6 के बराबर भी है, बराबर भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब b का हम भाग देंगे a में, यानी हमारे पास में a है, जब हम b से भाग देंगे b मतलब यानी 6, जब 6 से भाग देंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू निकल आएगी, आपकी हमारे पास में आपकी वैल्यू मिलेगी। तो जब a का मान क्या हो सकता है, 6 के बराबर हो सकता है, और 6 से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा, तो इसलिए क्या निकलेगा, r का मान 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके हमारे क्या निकल जाएगा आर का मान। तो हम क्या करेंगे, इसी सूत्र में युग्मित वाली लाइन में सूत्र में क्या करेंगे, रखेंगे इन सभी मानों को, यहाँ पर आप रखेंगे कि आर का मान हमारे पास में ये आ जाएगा, बी का मान 6 है, ए मान क्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप, यानी पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास में, a बराबर क्या, a बराबर 6q, क्योंकि q क्या है पूर्णांक संख्या है जो इसका क्या होता है भागफल, तो क्या होगा 6q + r, पहले लिख देते हैं इसको। अब r का मान क्या है हमारे पास में 0 1 2 3 4 5 6, तो हम ये सारे 6 स्टेप लिखेंगे, 7 स्टेप पूरे, तो a बराबर 6q + r, a बराबर पहला स्टेप ये डन हो गया, जब हमारे पास में क्या है r बराबर क्या है 0, जब r बराबर हम क्या रखेंगे 1, तो 6q + 1, जब r बराबर रखेंगे 2, तो a बराबर 6q + 2, जब r बराबर रखेंगे 3, तो a बराबर 6q + 3, जब r बराबर रखेंगे हम यहाँ पर रखता हूँ, जब r बराबर हम 3 रखेंगे तो हम देखेंगे a बराबर 6q + 3, जब r बराबर हम 4 रखेंगे तो a बराबर 6q + 4, जब r बराबर रखेंगे 5 तो a बराबर 6q + 5, जब r बराबर रखेंगे हम 6 तो a बराबर 6q + 6। अब हमको सिद्ध क्या करना था, हमको देखना था ये इस रूप में हम लिख सकते हैं, हमको सिद्ध करना था कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, क्या किसके रूप में हो सकती है 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यस, हमको ये जवाब मिलेगा यस, क्योंकि देखो हमारे पास में जब उनको भाग किया तो आर की वैल्यू ये निकली, तो आर की वैल्यू निकली तो हमारे पास में ये संख्या हमको प्राप्त हुई, देखो ये दूसरी ये तीसरी हमारे पास में ये, तो तीनों हमको मिल चुकी हैं। तो अतः क्या सिद्ध होता है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होती है वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप की होती है। अतः हमारा यहाँ पर सिद्ध होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे बोल कर मैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक
क्या होते हैं 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यहां पर लिखेंगे हम चित्र सिद्धांत। ये लिखेंगे ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले समझा इसमें पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम रिवाइज करते हैं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनको हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं, यानी जो पूर्णांक होते हैं यानी पूर्ण अंक होते हैं अपने आप में, उनको हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। यानी पहला ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, फिर दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या, तीसरा होता है वो जीरो। जीरो अपने आप में एक पूर्णांक संख्या है। तो हमने देखा जो लेफ्ट हैंड साइड पे चल रही है वो क्या होती है हमारी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, जो राइट हैंड पे चलती है वो होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या है। उसी में हमको ढूंढना है क्या ढूंढना है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, हमको क्या जाना है राइट हैंड की तरफ जाना है, उसमें ढूंढना है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो उसमें देखेंगे हमारे पास में विषम होते हैं वो होते हैं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो हम देखेंगे जब आत्मान तीन आया है यानी तो ये क्या है यहाँ पर तीन जो हमारा शेषफल है उसके देखेंगे वो क्या है एक विषम है अपने आप में, तो ये क्या है ऑटोमेटिक धनात्मक विषम संख्या हो जाएगी। उसी प्रकार हमने आर की वैल्यू निकाली कब, जब ए का मान क्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या है, बी बराबर हमारा कितना है 6। तो हम क्या करते हैं कि बी का ए में भाग देते हैं यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम के अनुसार। तो हम उसमें देखते हैं कि ए का मान होता है बी से बड़ा होता है या बी के बराबर होता है, यानी ए का मान क्या है बी से बड़ा है या बी के बराबर है। तो हम उसमें बी का भाग देंगे ए में, तो क्या आएगा हमारे पास में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे संख्या आती जाएंगी। हमको लेकिन कहां तक जाना है, बस 5 तक जाना है, हमको चेक करना है यानी सिद्ध करना है। उसके लिए हमने ये संख्या रखी यानी आर का मान 0 रखा, तो यहां पर ये 6q + 0 होगा सॉरी, तो ए बराबर 6q + 0 आर का मान जब 1 रखा तो ए बराबर 6q + 1 आर का मान हमने 2 रखा तो 6 ए बराबर 6q + 2 आर का मान जब हमने 3 रखा तो ए बराबर 6q + 3 आर का मान जब हमने 4 रखा तो 6q + 4 जब आर का मान हमने 5 रखा 6q + 5 आर का मान हमने 6 रखा तो 6q + 6। तो इसमें हमारा सिद्ध होता है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इसके हम दूसरा सवाल देखते हैं, इसका जो तीसरा सवाल है चलो सवाल अब हम देखते हैं इसका तीसरा सवाल। अब इसको पढ़ते हैं पहले, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमको इसमें सीधे हम देख सकते हैं इसमें हमको क्या करना है कि दो सेना की टुकड़ियां हैं, एक की पहली टुकड़ी की संख्या है सदस्यों की, पहली टुकड़ी के सदस्य हैं वो है 616 और दूसरी टुकड़ी में यानी जो सेना के जो ग्रुप बनाए जाते हैं उसमें पहले ग्रुप में है हमारे पास 616 सदस्य, दूसरे में है 32 सदस्य। उसमें क्या करना है कि हमको क्या करवाना है मार्च करवाना है। अब हमारे दिमाग में आ रहा है मार्च करवाना, मार्च तो एक साल का महीना होता है मार्च, वो वाला मार्च नहीं है। हम देखते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त पर मान लीजिए सेनाएं होती हैं यानी वो परेड करती हैं यानी एक साथ चलती हैं, यानी जो सेनाएं होती हैं आपको देखा होगा जो हमारी सेनाएं होती है भारतीय सेना उनके जो परेड करते हैं तो क्या करते हैं वो एक लाइन में चलते हैं, यानी उनका जो डिसिप्लिन होता है उतना ही कठोर और बिल्कुल उनका एक्टिविटी अलग होता है आर्मी का। तो हम देखते हैं कि हमारा आर्मी के जो जवान होते हैं तो एक यहाँ यानी इस प्रकार से उनका रो बना होता है यानी स्तंभ बने होते हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि वो मार्च करते हैं यानी वो यानी 26 जनवरी पर अपने डिसिप्लिन और एक्टिविटी को दिखाते हैं वहाँ पर। तो हम देखेंगे वो मार्च आपको समझ में आ चुका होगा कि महीना नहीं है वर्ष वाला, ये है उनका दिखाई जाने वाले यानी उनका जो दिखाई जाने वाला डिसिप्लिन कितने मेंटेन करते हैं वो अपना। तो उसमें
कोटियां हैं, दो समूह यानी दो ग्रुप हैं, उन्हें हम देख सकते हैं कि समान संख्या वाले स्तंभों में, यानी हमको क्या करना है, यानी लाइन बनाते हैं। जैसे हम अपने स्कूल में क्या करते हैं, जब वो प्रेयर का टाइम होता है तो उसमें हम लाइन लगाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि सारे स्टूडेंट क्या हो गए कि एक बराबर एक को लाइन में लग जाते हैं, यानी सभी की लाइन इक्वल होगी, यानी एक एक लाइन में 10 स्टूडेंट है तो दूसरे में 10, तीसरे में 10, यानी इक्वल करने के लिए सवाल इस समय मार्क कर रहा है। इसी प्रकार हम प्रेयर के लिए लगते हैं, तो उन्हें क्या करना है, पूरे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, हमको स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी हमको वो लाइनें याद करनी है, कितनी लाइन बनेगी इन दोनों टुकड़ियों से, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, यानी अपनी परेड कर सकते हैं। उसके लिए हम देखेंगे कि दो टुकड़ियां हैं जो हमको सवाल में दी हुई है, तो हम इसमें लिखेंगे अपने सवाल के अनुसार जो दी हुई है, यहाँ पर जो परेड है वो तो आपको समझ में आती है कि मार्च क्या है, तो उसमें जो ग्रुप दो किए गए हम पहला मानते हैं, और जो अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या यानी आपको लाइनें याद करनी, कितनी लाइनों में वो परेड कर सकते हैं, तो मतलब उसका एलसीएम याद करना है। एलसीएम ये एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों का कॉमन मिलता है, यानी अधिकतम, यानी उसका नाम होता है महत्तम पूर्णांक, यानी अधिकतम, महत्तम माने अधिकतम। तो उसमें देखेंगे हम, आओ उसको सवाल को हल करते हैं, तो देखेंगे पहली जो टुकड़ी है उसकी संख्या उसमें सदस्यों के अंदर कितनी है, यानी प्रथम टुकड़ी में क्या होती है, a बराबर bq प्लस r। अब ये लिखने की जरूरत नहीं कि a बड़ी संख्या है, b छोटी संख्या है, q क्या है उसका भागफल है, r क्या है उसका शेषफल है, तो हम सीधे देखते हैं कि a बराबर हमारे पास कितना है, सवाल में 616 है, हम सीधे रखते हैं इसमें कैसे, a बराबर है हमारे पास में 616, b बराबर है हमारे पास में 32, क्यों को निकालने के लिए हम क्या करते थे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देते थे, तो यहाँ पर भाग देंगे हम 616 में 32 से, तो 32 से कम 32 और 32 32 दो 64, तो ये एक बार ही जाएगा इसमें भाग 32 आएगा, तो
आठ और Q का मान से निकला है 20। तो यहाँ पर आप देखेंगे R बराबर मैं लिख देता हूँ, मैं A बराबर हमारे पास में 16 है और जो P बराबर है हमारे पास में 32, Q बराबर है हमारे पास में 19, तो R बराबर निकला है हमारे पास में R, तो Q बराबर 19 प्लस R बराबर कितना निकला है 8। तो इसको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तुम देखते हैं कि आज का मान जीरो नहीं आया है, मतलब इसमें अभी अधिकतम संख्या हमको प्राप्त नहीं हुई है। तुम क्या करेंगे, इसका दूसरा स्टेप करेंगे। तो दूसरे स्टेप में हम देखते थे कि छोटी संख्या होती थी वो हमारे पास बड़ी बन जाती है बड़ी संख्या, और जो आधा मान होता था वो बन जाती है हमारे पास में छोटी संख्या यानी बी। तो हमारे पास बड़ी संख्या बन जाएगी 32, आज हमारे पास में 8 बन जाएगी छोटी संख्या गुणा। तो हम देखेंगे इसमें भी आपको क्या निकालना है, क्यू और आर का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 32 में भाग देंगे 8 से, तो जाएगा ये 8 से 32। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर का मान कितना निकल चुका है हमारे पास में 0 और क्यू का मान है हमारे पास में 4। यह सेकंड स्टेप में हमारे पास में निकला है ए बराबर हो गया हमारे पास में 32, आर बराबर हो गया हमारे पास में आर में बी, बी बराबर हो गया हमारे पास में 8, पी बराबर हो गया हमारे पास में 4 और आर बराबर हो गया हमारे पास में 0। तो अब देखेंगे क्यू बराबर क्या है, यहाँ से रखेंगे इसमें गुणा 4 प्लस आर का मान है 0। तो हम देखेंगे हमने फिर उसका दूसरा स्टेप किया, उसमें आर का मान 0 आ चुका है। तो हम देखते हैं कि इसमें आर का मान जिसमें ही 0 आ जाए वही हमारा क्या होता है एच ईयर। लेकिन अब कहेंगे आपको हमको एचसीएफ तो याद करना ही नहीं है, हमको सवाल में क्या है अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या यानी एचसीएफ, वो एक ही बात है हमको कंफ्यूज करने के लिए इसमें हमको दे दिया है कि अधिकतम स्तंभ क्या है। तो यहाँ पर एचसीएफ हम देखेंगे अपनी भाषा में, तो एचसीएफ कितना है हमारे पास में 8, यानी जिस संख्या में आगमन 0 आता है उस संख्या उस वाले स्टेप में जो छोटी संख्या होती है वो होती है हमारे पास में क्या होती है एचसीएफ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अधिकतम स्तंभों की संख्या जिनमें आर्मी बैंड सभी सदस्यों की। यहाँ पर ये हमारा तीसरा सवाल भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2। अगर इन दोनों सवालों में आपको समझने में कोई भी परेशानी हुई हो तो हमको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।